पहली बात आती है फोन की प्राइस की। तो इसकी प्राइस बताई जा रही है कि इफेक्टिवली आपको 0 रुपीज में मिलेगा, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, लेकिन 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 सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे आपको 1500 रुपए देना है, जो कि आपको 3 साल बाद वापस मिलेंगे। तो घुमा फिरा के जब भी ये फोन आपके हाथ में आएगा, आपको 1500 रुपए तो देना ही है। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 3 साल तक आप उसको पाल पोस के बड़ा करें, उसको चोरी ना होने दें, उसको टूटने ना दें। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, चोरी हो जाता है, टूट जाता है, या 3 साल तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, तो सोच लीजिए कि वो फोन के 1500 रुपए आपने दिए हैं और वो फोन आपका ही हो गया जिंदगी भर। लेकिन बाय लक अगर 10% चांसेस भी उसके फोन के जीने के रहते हैं 3 साल के बाद तक, तो आप रिलायंस जियो के स्टोर 3 साल बाद जाके बोल सकते हैं, बॉस ये देखो मैंने फोन सही सलामत लाया हूं मैं, तो आप मुझे वापस पैसे वापस करिए मेरे 1500 रुपए। अब दूसरी बात यह है कि हमको इस फोन के अंदर कौन से टैरिफ प्लान्स मिलेंगे। तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है 153 रुपीज का एक स्पेशल टैरिफ प्लान, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी फोन पे एप्लीकेबल होगा। अब इसमें अभी तो बताया जा रहा है कि इसमें अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, लेकिन जिसमें जो अभी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन पता चली है उसके हिसाब से 153 वाला जो इनको प्लान बताया जा रहा है 1 महीने का, उसके अंदर आपको 500 MB का डेटा पर डे मिलेगा हाई स्पीड के साथ। उसके बाद 500 MB के बाद आपका 128 KBPS की स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा हो जाएगा। तो घुमा फिरा के जो 309 में 1 GB मिलता है उसका हम आधा कर लें तो 153 रुपीज के आसपास आपको 500 MB वाला डेटा मिलेगा। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि बॉस हम ये फोन ले लेंगे, उसके बाद इसमें अगर हॉटस्पॉट हुआ तो हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करके और सस्ते में 1 GB चला लेंगे, तो वैसी बात यहां पे नहीं हो पाएगी। इसमें 153 में 500 MB अभी तक अनकंफर्म सोर्सेस से पता चला है, तो 500 MB जो है वो पर डे आप यूज कर पाएंगे। और अभी भी ये फाइनल नहीं है कि इसके अंदर हॉटस्पॉट है कि नहीं है, क्योंकि आज जो प्रेजेंटेशन हुई है वहां पे कहीं भी नहीं बताया गया फीचर्स के साथ कि इसके अंदर हॉटस्पॉट रहेगा। अब एक बात और है, जब भी अगर ये फोन आप लेते हैं 1500 रुपए का, तो 1500 रुपए वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो 3 साल बाद की बात है, बट अभी 3 साल तक तो आपको 153 रुपीज पर मंथ का इसके अंदर रिचार्ज कराना ही है। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 153 को 36 मंथ से, तो आपको 5508 रुपीज खर्चा करना है 3 साल तक इस फोन के अंदर प्लान डलाने के लिए। अभी ये इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं है कि इसके अंदर प्लान नेसेसरी है, मैंडेटरी है डलाना, बट मे बी 1-2-3 महीने तक आप स्किप कर सकते हैं। 36 मंथ तक ही आपको दिया जा रहा है फोन किराए पे बोल सकते हो, तो उसमें फिर आपको 153 रुपीज किराया उसका महीने का देना है, जो कि 5000 के ऊपर का कॉस्ट आ जाएगा। अब एक फीचर और इसके अंदर दिया गया है जियो टीवी करके, तो अगर आप ये फोन लेते हैं और इसमें 309 कर कोई रिचार्ज कराते हैं तो इसमें आपको कोई केबल टाइप की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे जो जियो टीवी की ऐप है वो खोल के आप कोई भी टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, तो जियो टीवी जो मोबाइल पे चल रही है वो टीवी पे देख सकते हो। तो घुमा फिरा के जो DTH कनेक्शन आपकी चैनल्स दिखाता है आपकी टीवी पे, वो आप ये छोटे से फोन से डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो आपकी टीवी पे। यहां पे भी दिक्कत क्या आएगी, डेटा की दिक्कत आएगी, 309 में मे बी 1 GB पर डे मिले। अब 1 GB पर डे के हिसाब से आपको चैनल्स स्ट्रीम करना है, तभी उन्होंने बोला है कि 2-3 घंटे तक आप स्ट्रीम कर सकते हो आपकी चैनल्स आपकी टीवीज पे। सो गाइस, अब बात आती है कि ये फोन हमें मिलेगा कहाँ, हमें कहाँ से ये लेना है। तो 15 अगस्त से इसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 24 अगस्त से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट होगी। प्री बुकिंग इन द सेंस, पहले आप पैसे दे दीजिए, बुक कर लीजिए और वापस तैयार हो जाइए, जैसे हमने रिलायंस जियो की जब सिम लेना था तब हमने लाइन लगाई थी, वैसे वापस से लाइन लगेगी 24 के बाद प्री बुकिंग के बाद। उसके बाद फिर लाइन लगाइए और सब लोग फिर लाइन लग के सबको मिलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से। मान लीजिए 1 करोड़ लोगों ने प्री बुकिंग कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है सुबह जल्दी से आप जाएं लाइन लगाएं और वो फोन आपके हाथ में आ जाए। और इसकी जो बुकिंग है वो 24 अगस्त से स्टार्ट होगी, जो पैसे आपको देना है, उसके बाद आपको जो मिलना स्टार्ट होगा वो होगा सितंबर से, मेक इन इंडिया में, मतलब इंडिया में ही बनेगा और फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस फोन के बारे में। और ये जो बुकिंग होगी वो माई जियो ऐप के थ्रू हो जाएगी या फिर जो उनके रिटेलर्स हैं वहां पे जाके, जहां से आपने सिम ली होगी वहां जाके आपको वापस से बुकिंग स्टार्ट करानी पड़ेगी। एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी चीज होने वाली है तो बहुत लोग आपको पागल बनाने आएंगे, फर्जी वेबसाइट्स आएंगे जिसमें बोलेंगे आपका एड्रेस बताओ, नाम बताओ, नंबर बताओ, हम बुकिंग करेंगे। तो प्लीज ऐसी फर्जी वेबसाइट, फर्जी लिंक्स पे ना फंसें। jio.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे सारी चीजें आएंगी। अगर आपको ऊपर वेबसाइट का लिंक jio.com दिखता है तभी आपकी सारी डिटेल्स फिल करिए, वरना ये डिटेल और किसी के पास चले जाएंगे, फिर वही बात हो जाएगी, जियो जो डेटा लीक करता है वो तो आपने खुद ही दूसरी वेबसाइट पे जाके आपका डेटा लीक कर दिया। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होगी, जैसे मिलना स्टार्ट होगा, सारी सारी चीजें, सारी प्रोसीजर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इस चैनल पे समझाऊंगा। So, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो वो भी कर लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है रिलायंस जियो के फोन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जियो फोन की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।